स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं जो कि टाइप्स ऑफ फ्लो मीटर्स के, तो आप लोग उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो भी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो कि फ्लो मीटर्स होता है कैसे वर्क करता है। पहले इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को ये डिस्प्ले लगा रहता है, ये और ये ट्रांसमीटर लगा रहता है, जहाँ पर ये ट्रांसमीटर है। ठीक है, इसमें कॉइल्स लगी रहती हैं। ठीक, कॉइल्स का भी बताऊंगा मैं आप लोगों को एनिमेशन वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, और इसमें आप लोगों को ये रबर है पीटीपी की बनी हुई होती है, जो कि रबर जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, ये अंदर जो कि वो कोटिंग रहती है, ठीक है, और फ्लेंज वगैरह है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। इसमें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है कि जैसे आप ये वर्क किस किस पर करता है, जो कि आप लोगों ने फेराडे जो कि लॉज देखा है, फेराडे, ठीक है, फेराडे लॉ देखा होगा आप लोगों ने। फेराडे लॉ पर ये वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, जैसे कि उसमें आप लोगों के क्या है, आप मान लीजिए एन और एस, ठीक है, एन और एस ये आप लोगों की चुंबकत्व है, ठीक है, पर ये बीच में हॉलो है, जो इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, तो इसका जो फॉर्मूला रहता है, तो आप फॉर्मूला ये क्या रहता है, ई इजकल टू जो कि बी एल और ये वी वेलोसिटी। एल क्या है, लेंथ है, किसकी लेंथ है, जो इसमें हम जो कंडक्टर होगा, जो भी कंडक्टर होगा हम इसके अंदर फ्लो कराएंगे। ठीक है, कंडक्टर मतलब हम फ्लूड फ्लो कराएंगे, अभी तो हम एक कंडक्टर ले रहे हैं, उसकी लंबाई और वेलोस जो कि जो इलेक्ट्रिक जो कि मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम क्या कर देंगे, लंबाई और मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम कांस्टेंट कर देंगे तो हमारा ई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, ई प्रोपोर्शनल वी हो जाएगा, तो क्या होगा हमारा, जब हम इसके अंदर ये कंडक्टर मूव कराएंगे तो ये क्या होगा, ऊपर नीचे जो मूव करने लगेगा और रीडिंग देने लगेगा। ठीक है, रीडिंग देने लगेगा। ठीक, इसी प्रकार से ये वर्क करता है, जैसे ये हमारे इसमें जो आप लोगों को अभी मैं एनिमेशन वीडियो में दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों को ये फ्लूड आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसमें ये कॉइल्स आप लोगों को ये देख रहे को मिल रही है, ये कॉइल्स, ठीक है, ये कॉइल्स देखने को मिल रही है, तो ये कॉइल्स डायरेक्ट कनेक्ट रहती हैं ऊपर ये इससे, और यहाँ पर ट्रांसमीटर जैसे आप लोगों को बताया है ये चल रहा है जो कि एनिमेशन वीडियो है, तो इसमें एक माइनस कॉइल्स रहती है, एक पॉजिटिव कॉइल्स रहती है। तो यहाँ पर देख लेना, ये नीली और रेड कलर की आ रही हैं, वो अलग अलग हो जाती हैं, उधर से तो सेम आ रही हैं, फिर उसके बाद पॉजिटिव पर अलग हो रही हैं और नेगेटिव पर अलग हो रही हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये कॉइल जा कर के क्या, यहाँ पर कनेक्शन है इसका, कॉइल दोनों का कनेक्शन यहाँ पर ये ट्रांसमीटर से जा कर कनेक्शन है। जैसे ट्रांसमीटर जैसे आप लोगों ने देखा है कि प्लस माइनस का जब जोड़ते हैं तार तो क्या होता है, हमारा बल्ब जलने लगता है, तो इसी प्रकार से ये वर्किंग करने लगता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से वर्किंग करता है। अब आप लोग एनिमेशन वीडियो एक से बार गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो एनिमेशन वीडियो में आप लोगों ने देखा है इस प्रकार से ही वर्क करता है। एक बार इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखिएगा। ठीक है, इसमें आप लोग ये देख लीजिएगा, इसमें देखो ये कॉइल, देखो ये मैंने अभी बताया था आप लोगों को ई और वी और वी, ठीक है, आप लोगों को बताया था उसी प्रकार से ये दो कॉइल्स लगी हैं, इधर से फ्लूड एंटर करेगा तो हमारा इधर से फ्लूड एंटर करेगा, प्लस माइनस की कॉइल लगी रहेंगे, उन पर जा करके क्या होगा, प्लस वाला प्लस है, नेगेटिव वाला प्लस है, जो मॉलिक्यूल होंगे प्लस वाले मतलब डिफरेंस टाइप के, मतलब प्लस वाला है तो माइनस वाला मॉलिक्यूल प्लस वाले पे चिपक जाएगा, जाके मतलब बॉन्ड बनाएगा, और ऐसे ही प्लस पॉजिटिव वाला होगा वो नेगेटिव वाले पे जाएगा। तो उस प्रकार से हमारे जो यहाँ पर एक मीटर लगा रहेगा वो उस मीटर में एक जो सुई रहेगी वो रोटेट करने लगेगी ऐसे प्रकार से, तो इस प्रकार से हमें रीडिंग देने लगता है। लेकिन इलेक्ट्रिक है तो वो सुई रोटेट नहीं करेंगे, इसमें डिस्प्ले पर शो कराएगा। ठीक है, डिस्प्ले पर इलेक्ट्रिक है तो शो कराएगा, नंबरों में शो कराएगा, अंकों में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्क करता है, और ये इस पार्ट्स रहते हैं मेनली। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक में जो कि आप लोगों को मैंने बताया, तो आप लोगों को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।